हेलो, वेलकम बैक। मैं आपको बताने वाला हूँ डिप्रेशन के कारण क्या है। काफ़ी लोग हमारे पास में आते हैं जो पूछते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। तो डिप्रेशन के आज मैं कारण बताने वाला हूँ जो आपको अप्लीकेबल है, जो आपको काम के है, वो आप आपके पास में रखो, बाकी लोगों को शेयर करो। तो चलिए फिर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन के मेनली तीन कारण होते हैं। एक है जेनेटिक, दूसरा है बायोलॉजिकल और तीसरा है साइकोसोशल। जेनेटिक मतलब आनुवंशिकता, जीन्स में आना, पेरेंट्स से डिप्रेशन आना। मतलब यदि पेरेंट को यदि डिप्रेशन है और पेरेंट यदि डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं तो बच्चों को डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन की बीमारी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यदि दोनों पेरेंट को डिप्रेशन है तो 35 से 40% बच्चों को, मतलब 10 में से 5 बच्चों को या 3 में से 2 बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है या 2 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है। काफ़ी लोग हमारे पास में आते हैं कि भाई हमने लड़की देखी हुई है, लड़की पसंद है, सब लोग अच्छे हैं, मगर लड़की के माँ को डिप्रेशन है, उसको दवाई चालू है, क्या करना? या लड़की के डैडी को, पिताजी को डिप्रेशन है, क्या करना? तो हम उसमें वही बोलते हैं कि भाई लड़की को डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा है जब उनके घर में उसका हिस्ट्री है, इतिहास है उसका डिप्रेशन का। फिर डिप्रेशन होगा क्या? जरूरी नहीं होगा करके, मतलब इसको गारंटी नहीं कि माँ बाप को डिप्रेशन होगा तो बच्चों को होगा ही, संभावना ज़्यादा है होने की। फिर उसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए बच्चों ने यदि डाइट बराबर रखे, कोई एडिक्शंस ना करे, कोई नशा नहीं करना चाहिए, शराब की नशा है या बाकी फालतू नशा है वो बाकी नशा नहीं करना चाहिए, रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडीली फिटनेस रखते हैं, टाइम टू टाइम नींद लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेस फ्री जॉब या स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जीते हैं, फैमिली का सपोर्ट है, सब अच्छा चल रहा है तो डिप्रेशन आने की कोई संभावना है नहीं। फिर इवन दो, मतलब जब भी पेरेंट्स को भी है तभी भी नहीं चांस। फिर तो ये है जेनेटिक फैक्टर। ट्विन से दिया, जुड़वा भाई बहन है तो एक को हो गया दूसरे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल मतलब ये कि केमिकल लोचा। ब्रेन में जो सैनेप्सिस होते हैं, मतलब एक नॉर और दूसरी नॉर जब एक दूसरे को जहाँ जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं सैनेप्स। तो साइनेप्स में सेरोटोनिन, ये केमिकल है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, मेनली ये तीन की मात्रा जो है उसमें कम हो जाती है। और ये तीन की मात्रा कम होने से डिप्रेशन आ जाता है, जिसको बोलते केमिकल लोचा, इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। काफ़ी और भी न्यूरोट्रांसमीटर, मगर ये तीन मेजर है जो आज के दिन में हमें मालूम है। और इसलिए इनको बढ़ाने वाला या इनको सेंसिटाइज करने वाला जो भी दवाई है, जो भी ड्रग है, वो डिप्रेशन में काम में आता है। जैसा SNRI है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटर, SNRI है, या सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, SSRI है, ट्राइसाइक्लिक्स, ऐसी जो दवाइयाँ हैं, ये दवाई देने से डिप्रेशन ठीक हो जाता है। इसका मतलब ही उसकी कमी है, वो दवाई देने से अच्छा हो जाता है। तो यह है बायोलॉजिकल फैक्टर। और तीसरा जो है वो है साइको सोशल फैक्टर। और साइको सोशल फैक्टर मतलब घर में किसकी डेथ हुई है, एकदम झटका बैठ गया, माँ बाप में से किसकी डेथ हुई है, बहुत बड़ा कुछ एक्सीडेंट हो गया, फिर नौकरी चली गई, धंधे में लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया फाइनेंशियल, या बचपन में कोई चाइल्ड एब्यूज़ बोलते हैं जिसको, कि बचपन में मारपीट हुई है या एब्यूज़ किया गया है, सेक्सुअल एब्यूज़ किया गया है बचपन में, या फिर माता पिता का डाइवर्स हुआ है और अकेले माँ ने या अकेले पिताजी ने उसको पालन पोषण किया हुआ है। जैसे काफ़ी सारे साइको सोशल जो फैक्टर्स है तो वो भी उसमें जवाबदार है, जिम्मेदार है कि जिसमें डिप्रेशन हो सकता है। तो जब ये ऐसे फैक्टर है तो उसकी बराबर दवाई करना, उसके साथ साथ जो भी कारण है वो कारण को नष्ट करना, निकाल देना, उसके लिए जो भी सपोर्ट करना है पेशेंट को, सपोर्ट करना,
काउंसलिंग करना, साइकोथेरेपी, सम्मोहन उपचार, हिप्नोथेरेपी है। तो ऐसे हम उपचार करते हैं, और जैसा पहले बताया कि मेडिटेशन रेगुलरली कर रहे हैं, डाइट है, एक्सरसाइज है, टाइम टू टाइम नींद है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, तो ऐसा हम यदि उसका बराबर बैलेंस रखते हैं तो डिप्रेशन आने की संभावना कम है, और डिप्रेशन आ भी गया तब ये जल्दी अच्छा हो सकता है। हमारा मिशन जो है हमारे हॉस्पिटल का, वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसके लिए वीडियो आप जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि उनको मालूम हो जाएगा कि डिप्रेशन के लिए क्या किया जाए, उसके कारण क्या है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, बेल का चित्र आता है उसके ऊपर भी क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियोस सबसे पहले आपको आ जाएंगे। आप आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।